छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुए दोहरे ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपित को काबू कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपित संतोष पनिका नशे की पूर्ति के लिए वारदात करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल, पायल, रुपए जब्त कर लिए हैं। बता दें कि 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को चिरमिरी के हल्दीबाड़ी मोहन कॉलोनी में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाश द्वारा घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच तफ्तीश शुरू की थी। जांच तफ्तीश के दौरान पुलिस ने एक आरोपित को काबू किया है। यहां यह भी बता दें कि 31 जनवरी व 1 फरवरी की दरमियानी रात पौड़ी सेंट्रल बैंक के समीप यात्री प्रतीक्षालय में विक्षिप्त बुजुर्ग महिला शीतल शर्मा मृत हालत में मिली थी, जिसके सिर में चोट थी। लगातार 3 दिनों के अंतराल में हुई 2 हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्रमोहन सिंह द्वारा टीम गठित कर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। गठित टीम द्वारा 2 दिनों के अथक प्रयास से डबल हत्या करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की गई। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही संतोष पनिका को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस दौरान कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपित ने अपराध को कबूल किया। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने किस तरह का इसमें कामयाबी मिली? ये दोनों जो लगातार दोहरे अंधे हत्याकांड में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन सिंह के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी पौड़ी, थाना प्रभारी चिरमिरी थे और मेरे द्वारा जो है मॉनिटरिंग लगातार किया जा रहा था। हम लोग जो है 2 दिन के अथक प्रयास से हमारे यहाँ जितने सीसीटीवी लगे हुए थे उनके आधार पर हमें एक सुराग लगा। उस सुराग के आधार पर संतोष पनिका को गिरफ्तार पकड़े और उससे पूछताछ में उन्होंने दोनों अपराध को कबूल किया और दोनों अपराधों में चोरी की नीयत से घर में घुसा था और उनकी हत्या किया था। चोरी गए सामान पायल और मोबाइल तथा रुपए जब्त कर लिए गए हैं तथा जो हत्या किए थे हथियार राड लोहे का और पत्थर वो भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को धारा 302 460 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। दो लोग को मारा ना जी? हल्दीबाड़ी में क्यों मारा था? वहाँ चोरी करने गए रहे सर। पूरा बात बताओ। चोरी करने गए रहे, दरवाजा खोला और उठ गई सर। किस लिए चोरी करता रहा? किस लिए चोरी कर रहा था? नशा। क्या क्या नशा करता है? दारू गांजा। बस दारू गांजा पीता है। कहाँ से मिलता है दारू गांजा आपको? कहीं से मिल जाता है इधर उधर। कहाँ से खरीदते रहे? यहाँ से खरीद, लंगड़ी के पास। अच्छा, क्या क्या खरीदते हो? गांजा और दारू बस। दूसरा जो हत्या किया उसको कैसे किया? चोरी करने के था, फिर क्या हुआ बता कोई बात? मार दिया सर, बस हो गया। किससे मारा था? राट से। फिर क्या किया? फिर वहाँ से निकल गया पायल और मोबाइल लेकर। चोरी करके भागा? हाँ। इसके पहले और कहीं घटना किया? नहीं सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.